रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 600 साल बाद भगवान बद्री विशाल को चढ़ाया गया सोने का छत्र। भूबैकुंठ धाम में भगवान नारायण ने बुधवार को नया छत्र धारण किया। पंजाब के एक श्रद्धालु परिवार ने मंदिर समिति को यह छत्र दान किया। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल के मुताबिक करीब 600 साल बाद भगवान बद्री विशाल का छत्र बदला गया है। बताया कि तब ग्वालियर राजघराने ने यह छत्र चढ़ाया था। लुधियाना निवासी श्रद्धालु ज्ञानेश्वर सूद ने अपने दादा विमुक्ति महाराज की स्मृति में भगवान बद्री विशाल को 4 किलोग्राम वजनी सोने का रत्न जड़ित छत्र दान देने की इच्छा जताई थी। बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से छत्र को बद्रीनाथ धाम लाया गया। श्रद्धालु ज्ञानेश्वर सूद परिवारिजनों और लगभग 300 निकट संबंधियों के साथ धाम में पहुंचे थे। हेलीपैड से बद्रीनाथ मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर तक बद्री विशाल के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाल कर छत्र को धाम तक पहुंचाया गया। अपने नए घर में विराजमान हुए भगवान नृसिंह बद्री शाम करीब 5 बजे बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल व उनके सहयोगी वेद पाठियों के मंत्रोच्चार के बीच छत्र को मंदिर के भीतर लेकर गए। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना के बाद मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी ने छत्र गर्भगृह में भगवान नारायण की मूर्ति के ऊपर स्थापित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।